तो काला टीका लगा देना चाहिए। दिग्विजय सिंह भी वही काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी राम भक्त परंपरा से आते हैं, उन्हें बिना विवाद में पड़े, बिना राम भक्ति में उन्हें बह जाना चाहिए बिना किसी विवाद के, कह रहे थे प्रहलाद पटेल। आनंद के उत्सव का समय आ गया, बहुत सारा जब बहुत अच्छा होने लगता है तो कहते हैं कि उसमें काला को जटोना भी लगा देना चाहिए। शायद दिग्विजय सिंह वही काम कर रहे हैं और इस समय किसी भी विवाद में पड़ने से अच्छा है कि देश और दुनिया राममय है, हम सबका स्वागत करते हैं और उनसे भी यही कहेंगे कि हम वो भी राम भक्त परंपरा से हैं, उस राम भक्ति में उनको भी बह जाना चाहिए। प्रहलाद पटेल, जिनकी तरफ से कहा गया कि दिग्विजय सिंह को इस तरह का बयान इस समय नहीं देना चाहिए जब पूरा देश भगवामय हो गया है, तो आखिर क्यों दिग्विजय सिंह को इस चीज को लेकर आपत्ति है? उनके अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि हर किसी व्यक्ति को दल भुलाकर, राजनीति भुलाकर इस वक्त भगवामय भारत का जिक्र करना चाहिए, उल्लेख करना चाहिए, राम भक्ति में बह जाना चाहिए बिना किसी विवाद पर। जब कुछ अच्छा होता है तब काला टीका भी लगाया जाता है, दिग्विजय सिंह वही काम कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल के शब्द। और अब अगली खबर जबलपुर से, जहां बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष के भाई के जन्मदिन में हर्ष फायरिंग हुई है। सैकड़ों समर्थकों के बीच हर्ष फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है वीडियो, हालांकि अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। बरगी थाना क्षेत्र का पूरा वीडियो बताया गया है। कार्रवाई अगर होनी होती तो शायद निरंतर इस तरह के मामले सामने न आते, इसलिए पुलिस कार्रवाई को लेकर एक बार फिर से सवाल। जबलपुर की तस्वीरें, हर्ष फायरिंग करते हुए, जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, बीजेपी के नेता के भाई की मौजूदगी, बंदूक लहराते आपको नजर आएंगे, हर्ष फायरिंग किए, तमाम समर्थकों की मौजूदगी, हो सकता है कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा हो उसे, लेकिन कानूनन अपराध है। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस की तरफ से संज्ञान लिया गया। और अब खबर छतरपुर से है, जहां लग्जरी कार ने टक्कर मारी है। बेकाबू लग्जरी कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। एक हादसे में एक कार और चार बाइक सहित ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में तीन लोग घायल हैं, जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। कार को पुलिस ने जब्त कर लिया। शहर के जवाहर रोड की पूरी घटना बताई गई, जानकारी साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर आपकी सामने। सहयोगी नरेंद्र परमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, एक बार फिर से रैश ड्राइविंग का ये केस, अभी तक क्या कार्रवाई? जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक जो लग्जरी कार है वो अनियंत्रित होकर तीव्र गति में आती है, और जो वहां पर मौके पे जो लोग सीसीटीवी फुटेज में देखे जा सकते हैं कि अपनी अपनी बाइकों पे लोग वहां पर खड़े हुए हैं, पहले बातचीत करते हैं फिर जाने लगते हैं। ऐसे ही अचानक एक लग्जरी कार आती है और उनको जोरदार टक्कर मार देती है। इस पूरे हादसे में एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई है, इसके साथ साथ चार बाइक और एक ई रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं जिनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। पुलिस ने, सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने इस लग्जरी कार को जब्त करके कार्रवाई शुरू कर दी है, और घटना जो है शहर के जवाहर रोड की है जहां पर है पूरा मामला सामने आया है। महज तेज रफ्तार इसके पीछे वजह रही? अब नियंत्रण किस प्रकार खोया ड्राइवर ने, क्या कुछ हुआ उसके साथ, ही बताया गया है क्या उसकी तरफ से? देखिए, पुलिस ने जो अभी तक शुरुआती जांच की है उसमें निकल के सामने आया है कि जो भी गाड़ी चालक था, लग्जरी जो गाड़ी चला रहा था, उसको गाड़ी चलाना सही तरीके से नहीं आ रहा था, और इसके जिसके चलते हुए गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा था और उसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। इस हादसे में लगातार चार बाइकें क्षतिग्रस्त हुई हैं, एक ई रिक्शा भी और एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। तीन लोगों को चोटें पहुंची हैं जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र। और अब बात करेंगे दमोह जिले की, जहां जैन मंदिर में चोरी हुई है। नौहटा थाना क्षेत्र में जैन मंदिर में चोरी की वारदात, पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर का ये सिलसिला हम आपको बता रहे हैं। तीन प्रतिमाओं से चांदी की सामग्री भी चोरी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश भी शुरू की गई है। मंदिर परिसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दमोह का ये पूरा मामला, जैन मंदिर में चोरी को लेकर एक और बड़ी वारदात, और ये सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर पुलिस तलाश कर रही है आरोपियों की। साफ तौर पर नजर आए मूर्तियां और चांदी की कुछ चीजों को चोरी करते हुए देखे गए।
तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक और आपराधिक घटना, मंदिर में चोरी से आक्रोश भी बढ़ता हुआ। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।